בג"ץ. עדיף בג"ץ. בג"ץ, סתם. עדיף בג"ץ. לא שוב. עזרי, קריאו מפוטולינה. עזרי, עזרי. עזרי, עזרי. सर अभी क्या प्लान क्या है थोड़ा बता दो मुझे, इस हिसाब से हम फिर कैमरा लेके भागने। खालसा कॉलेज में हो रहा है ये यात्रा जो है, ये पाकिस्तान से निकली है 1 अगस्त को और पूरे देश में हर प्रांत में होती होती और ये बम्बई पहुंची है 21 तारीख को, नवी बम्बई में एंट्री की है। उसके बाद में ये आज 23 तारीख को इसका आखिरी पड़ाव है और हर जगह पे जो पंडाल लगे थे हर गुरुद्वारों के बाहर, एक एक पंडाल में हर 20,000 से नीचे संगत नहीं थी, हर एक पंडाल में। ये अदृश्य है कि कोई घर में लगता है बैठे ही नहीं है और 1 लाख आदमी बम्बई में घूम रहे हैं सब लोग दर्शन के लिए, और दर्शन की अभिलाषा ऐसी है कि लोग आगे पालकी साहब को जाने नहीं दे रहे हैं और आगे लेट जाते हैं पालकी साहब के, कि नहीं दर्शन कर दें आपको, ऐसा उनका कि पालकी नहीं जाए, वो बोलते हैं हमारी यही दिवाली है, यही विसाखी है, ये पालकी साहब इधर ही रखो। तो ये उत्साह है, सब पूरे पूरे शहर में उत्साह है। तो आज ये खालसा कॉलेज में से निकल रही है 10 बजे और इधर पूरे स्टूडेंट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब 10 दिन से डेकोरेशन कर रहे हैं, जो आपने शायद बाहर डेकोरेशन देखा है वो 10 दिन से लगे हैं पूरी तैयारी में और सब मिल के कर रहे हैं पूरे। तो आज उत्साह है पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप बाहर देखोगे अभी पूरा, आपने देखा होगा कि कुछ 5,000 की गिनती में तो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के, और हर एक को ये उत्साह है कि हम दर्शन करें गुरु के, पालकी साहब के दर्शन करें। अभी ग्रंथ साहब जी आ रहे हैं नीचे, उसके आने के बाद में हम लोग इधर से ये शुरुआत करेंगे और इधर से होता हुआ गुरु नानक हॉस्पिटल जाएगा, गुरु नानक हॉस्पिटल से ये सांता क्रूज में धन पुटवार गुरुद्वारा जाएगा, उसके बाद में अंधेरी गुरुद्वारा जाएगा और बाद में बोरीवली में रात को समाप्ति होगी। ये जी कितने गुरुद्वारों में क्या प्रोग्राम किया गया है, जैसे जो है समुदाय का ये कुछ जो हाँ एक गुरुद्वारे हमारे 113 हैं, इन्होंने क्या किया है कि गुरुद्वारों ने मिल गए हैं, 8-8 का ग्रुप बना लिया, ऐसे 10 फंक्शन हुए हैं, 10-12 फंक्शन हुए हैं टोटल। तो हर एक फंक्शन में 20,000-25,000 की इधर 40,000 की गिनती है, क्योंकि ग्रुप बन गया गुरुद्वारों का, हर एक गुरुद्वारों में तो जा नहीं सकते, ये तो इधर 15 दिन लग जाएंगे। सर कहीं ना कहीं ये सद्भावना का प्रतीक भी है, जो भी हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, करतारपुर को लेकर भी बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक हर आदमी से जुड़ेगा, क्योंकि ये जो है अभी जो जैसे खटास चल रही है पाकिस्तान को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो एक क्या होता है, जब रास्ते मिलने के खुलते हैं ना, एक तो होता है टेलीफोन से, एक होता है रूबरू। रूबरू जो होता है वो रोड के जरिए होता है कि हम जाएँ उनको मिलें, वो आए हमको मिले, तो इसमें हमारी जो है ना एकता बढ़ेगी। ये एक उद्यम है, एक परिश्रम है, इसका फल ज़रूर मिलेगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा है। हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उस पर 1430 पेज का है, जिसको हम अंग बोलते हैं, उसका उसको 48 घंटे लगते हैं पढ़ने में लगातार रात दिन। उसका पहला लफ्ज ही है एक ओंकार, भगवान एक है, शुरुआत ही उससे है। हमारी एंड क्या होता है, सर्वत का भला। हमारी जो गुरुओं की जो फिलॉसफी है वो बेसिक वो है वन गॉड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सारी इंसानियत की प्यार मोहब्बत की है, शांति का प्रतीक है। तो इसलिए जो आपका जो प्रश्न है कि दुनिया में आज जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो खतरा बना हुआ है, वो सारा अगर दुविधा ख़त्म हो जाती है, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि भगवान सांझा है, आप नाम राम रखो, रहीम रखो, गुरु नानक रखो, जीसस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही भगवान के हम सब हैं। तो ये जो यात्रा का बेसिक मकसद ही वही है कि जो हम ननकाना साहब से, क्योंकि जहाँ पे गुरु महाराज का जन्म हुआ था वहाँ से लेके आए हैं, और 5 नवंबर को सुल्तानपुर लोधी में जाके टर्मिनेट होगी, क्योंकि सुल्तानपुर लोधी करतारपुर एरिया में गुरु महाराज ने अपने ज़िंदगी के आखिरी 18 साल वहाँ पर बिताए थे। जो मेन फंक्शन है वो सुल्तानपुर लोधी में होगा, और इसमें गुरु नानक का उपदेश जो है ना वो है कि मानस की जात सब एक है, पहचान वो ऊपर से जो आते हैं वो सब जात एक है, उसके बाद में इधर आने के बाद में जात बदल जाती है, कुछ मुस्लिम हो जाता है, कुछ दूसरा,
क्रिश्चियन हो जाता है, कोई सिख हो जाता है, कोई हिंदू हो जाता है, कोई बौद्धिस्ट हो जाता है। तो मानस की जात एक है और एक ही वो समझते हैं कि सब एक है, एक ओंकार, सब एक है, चारों एक ही हैं, एक ही ऊपर से आए हैं, जिसको हम अकाल पुरुष बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, ये वो हिसाब है, इसको परमात्मा बोलते हैं। इधर आके हम नाम देते हैं गुरु नानक, राम, रहीम, पर परमात्मा जो है वो अदृश्य है, पर वही सब कर रहा है। तो हमारे में भी और सब में वही है कि अल्लाह जिसको बोलते हैं, अल्लाह को किसने देखा नहीं है, पर उनका जो प्रीस्ट है उनको देखा हुआ है, वो जिंदे थे, हमारे जैसे थे, गुरु नानक भी हमारे जैसे थे। तो उन्होंने, अकाल पुरख ने, अल्लाह ने या भगवान ने ये बंदे भेजे हैं नीचे उपदेश के लिए कि सबको उपदेश दो और सबको इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के लिए ये संसार में आए, नहीं तो ये तो रुल जाते हम लोग, कोई नहीं होता तो हम लोग क्या करते, दूसरे नफरत करते। तो ये मेन चीज़ है इधर का, गुरु नानक का। सर आपसे एक एज कमिश्नर रह चुके हैं, पुलिस चीफ रह चुके हैं आप, अगर बात करें जैसे 370 जैसे हटी थी तो कहा गया था कि करतारपुर को लेकर सिखों को मतलब बोला जाए, कहा जाए कि करतारपुर को लेकर, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रश्न क्लियर नहीं है आपका। सर ये है कि कहा गया था कि करतारपुर को लेकर सिखों में आंदोलन कराए, लंदन में कराए, जगह जगह पर, या वो तो कोई 5-10 लोग तो इक्के तिक्के इधर कुछ भी करते रहते, हर धर्म में, हर जाति में, हर देश में, उसकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेन, जो लार्जर जो सेगमेंट है, जो मेन जो स्ट्रीम है, वो तो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करती, वो तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो भड़काने की कोशिश की जाती है। वो तो 5-10 रहते हैं ऐसे लोग, उसका कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं है। और कुछ कहना चाहिए सर आप? नहीं, बस सब खुशियाँ बटोरो और बांटो, बिकॉज एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जब जलाते हो तो उसकी रोशनी कम नहीं होती। तो खुशियाँ जो हैं सब जगह पे, सब इंसानियत, कायनात, ये प्यार से रहो। आज वही है जो गुरु महाराज का जो संदेश है, वन गॉड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दैट इज़ द मेन संदेश। तो अपना जिंदगी अपनी नॉर्मल बिताओ, कोई बनवास लेने की जरूरत नहीं है, और दूसरों के साथ शेयर करो, बेसिकली ये है। और सब धर्म एक है, हम सब की इज्जत करते हैं। प्रधान साहब, रघुबीर सिंह गिल, मुख्य सेवादार श्री गुरु सिंह सभा मुंबई। सर आज के पर्व की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? समुच्चे विश्व में गुरु नानक नाम लेवा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बड़ी खुशी का दिन है कि गुरु नानक पातशाह के जन्म स्थान से, ननकाना साहब से 1 अगस्त से कल तारण यात्रा आरंभ हो के हिंदुस्तान के कोने कोने विचों सफर तय करती हुई आज यहाँ बम्बई में पहुँची है। 21 तारीख को नवी बॉम्बे में आई थी और कल नवी बॉम्बे से चल के एरोली थाना, बाद में टैगोर नगर, बकरोली, मुलन और चूना भट्टी सत्संग सभा से होके फिर बाद में दादर में शाम को समाप्ति हुई थी। और आज अभी इस यात्रा की आरंभता गुरु नानक खालसा कॉलेज से आरंभ होके यहाँ से गुरु नानक दरबार सिंधी गुरुद्वारा जो है वहाँ जाएगी, उसके बाद फिर ये यात्रा गुरु नानक हॉस्पिटल होके वहाँ से तनपुटो हर गुरुद्वारा जाके फिर अंधेरी, और उसके बाद ये यात्रा गोरेगांव, मलाड, कांदेवली, बोरीवली शाम को समाप्त होएगी, जो कल यात्रा बोरीवली से चल के फिर ये गुजरात के लिए रवाना होएगी, वहाँ से दहेसर रुकेगी, फिर वसई रुक के फिर गुजरात एंट्री करेगी। मैं समझता हूँ ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ये शताब्दी 550 साल प्रकाश पर्व जो 10-11-12 नवंबर को गुरु नानक पातशाह जी का आ रहा है, उसमें हम सब जितने भी गुरु नानक नाम लेवा समूह साध संगत जो है, हमारे जितने भी माई भाई हैं, इसमें अपना उसको यात्रा का आनंद मानते हुए अपना जीवन सफल कर रहे हैं। मैं समूह साध संगत को ये अपील करता हूँ कि गुरु नानक साहब का संदेश जो है, जो मुसलमाना के पीर थे और हमारे सिखों के गुरु थे, वो सबके सांझे गुरु थे, उसका संदेश हमको पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहिए। और आज गुरु नानक के संदेश से ही
ये जितने भी धर्म हैं सब एकत्र होके चल रहे हैं, अगर उन्होंने संदेश नहीं दिया होता तो आज यहाँ तितर बितर सब हो जाते। मैं समझता हूँ कि हमें अपने गुरु नानक साहब का संदेश सब दुनिया में पहुँचाना चाहिए और गुरु नानक पातशाह का जो 550 साल प्रकाश पुरब है बड़ी शान शौकत के नाल और उस बढ़ाना चाहिए। आप देखा है कि हमारी यात्रा में जितनी भी संगत है बड़े उत्साह के साथ और उत्साह के साथ और बड़े भरपूर शलाका योग उनका कदम का अपना बोलना पड़ेगा कि वो वहाँ पहुँचते हैं और कई कई घंटे तक अपना इंतज़ार करके वहाँ से वो अपना उनके दर्शन करके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैं फिर आज यही अपील करूँगा कि आज यहाँ से अभी यात्रा आरंभ हो रही है, समूह भाई भाई उसमें शामिल होकर अपने गुरु महाराज की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। बाबा जी के बारे में क्या कहना है? पीछे 3 महीने पहले से प्रीमियर लीग हुआ था, काफ़ी एक अलग ही खुशी थी। अब ये है कि कोई भी फंक्शन होता है पहले 3 महीने 2 महीने पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो इसमें क्या कहना चाहिए? बाबा के नेतृत्व में सब चीज़ें होती है। पिछले साल नवम्बर से ही पूरा साल ये जो है 550 साल प्रकाश पर्व समर्पित जगह जगह पे पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसी तरह ही यहाँ भी सिख प्रीमियर लीग जो है गुरु नानक खालसा कॉलेज में श्री गुरु सिंह सभा मुंबई, गुरु नानक खालसा कॉलेज मुंबई या समूह सभा सोसाइटियाँ समूह संगता ने मिलकर यहाँ वो आरम्भ किया था, जो बड़ी ही शानदार यहाँ वो प्रोग्राम हुआ था। उसके उपरांत भी कई जगह पे इसी तरह ही जैसे ये यात्रा निकाली गई है, इसके पहले नानक चीरा से भी यात्रा इसी समर्पण निकाली गई थी पिछले महीने। मैं समझता हूँ कि अब और भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, बहुत सारे कीर्तन दरबार होंगे, बहुत सारी रैलियाँ होंगी और बहुत सारे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी होंगे, वो सब गुरु नानक पातशाह नूं समर्पित ही होंगे 550 साल के प्रोग्राम को। जुड़े हुए ननकाना साहब से पूरी जो कोऑर्डिनेशन है ऑल ओवर इंडिया, ये थोड़ा सा इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ सर, क्या है ये 1 अगस्त से लगे हुए पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, पूरी सेवा इनकी है। इनकी सर पुस्ते पे जैसे गाइडेंस देते हैं तो वर्कर भी यार लीडर ही है, ये जैसे गाइडेंस देते हैं हम लोग ऐसे काम। एक फोटो ले सर पहले, फिर एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। एक फोटो सर, फोटो भाभी 19 अक्टूबर का प्रोग्राम वाले दसों के बीच 19 अक्टूबर का अगे करता है, 2 अक्टूबर 2 नवंबर को कीता हैगा क्योंकि एक तो इलेक्शन है उसके बीच की दो चीज़ें हो गई। एक तो सुखबीर जी ने कहा कि मैं नहीं आ सकांगा, उन्होंने कहा 2 अक्टूबर को आओ, 2 नवंबर रखो, तो 2 नवंबर की है तो सारे लीडरशिप भी तैयार नहीं आएगी, तो कहता सर फ्री हो के आइए दिवाली मना लिए। दूसरा CM साहब नाल फडवेस का गल हुई भूपिंदर सिंह मनास की, उन्हें कहा ठीक है 2 नवंबर करो अं सारे आवेंगे, डेट चेंज हो गई महाराज करेगा वो भी इलेक्शन करके डेट चेंज हुई उस करके। बाकी
पीछे साइड से पासिंग कर लो ना। तू पकड़ लेना, तेरे साथ में क्या मुंह देखता हुआ घूम रहा है यार। अब फिर टाइम पास के लिए आया है क्या? फिर पकड़ इसे। और क्या? Excuse me, please. इधर से रोक दो ना, इधर से बंद कर दे बेटा, मत आने इधर से। अरे सिक्योरिटी, दो मिनट के लिए रोक दो इधर से, मत जाने दे, बोलो बाहर से जाओ। आपसे खाली इतना ही रहेगा, नाम और आज के पर्व के बारे में, आपकी जो पोशाक है इसके बारे में। ठीक है, कहाँ से? मुंबई से? हाँ, कालीना से। कालीना से उसको जल्दी यार। हमारा नाम अमृत सिंह। हरभजन सिंह। आज की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे जो पर्व है उसके बारे में? ये मनाया जा रहा है 550 साल गुरु नानक देव जी का। और ये जो आपने पोशाक पहनी है, इसका क्या कितना महत्व हो सकता है? ये पहना जाता था जंग जब भी होती थी ना, वो टाइम पे तभी पहना जाता और शुरुआत हुआ था। तो यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब से आप एक्साइटमेंट है यात्रा को लेकर? हम तो बहुत टाइम से एक्साइटमेंट थे देखने के लिए, तो आज हमें मौका मिला देखने के लिए। और कितने मतलब आज के और क्या क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है ये यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अभी यहाँ नए, इतना वो तो नहीं पता, पर हम बहुत टाइम से देखना चाहते थे ये, तो आज देखने का मौका मिला। सिख मार्शल आर्ट करते हैं, सिख मार्शल आर्ट मतलब शस्त्र फ्राई करते हैं। तो ये आपको कौन सिखाता है और कितने सबको क्या जरूरी होता है सब चीज़? यस, तो जो सीखे उन्हें सीखना चाहिए, ये बहुत फ्यूचर में काम आ सकते हैं। हाँ जी, जय हिंद। हम NCC 1 मास्टर बटालियन GN खालसा कॉलेज से है। मेरा नाम कंपनी जूनियर एंड ऑफिसर रौनक सुचिक है। आज यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब आए हैं, जहाँ तक हमको मालूम पड़ा है, तो इनके लिए एक राष्ट्रीय सल्यूट दिया जाता है उनको हमारे NCC की ओर से। तो आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो गार्ड्स है वो यहाँ पे राइफल से उनको सल्यूट देंगे, जबकि राइफल एक डमी राइफल है, और साथ में हमारे साथ एक बैंड भी है जो सलामी को सपोर्ट करता है। तैयारियाँ की थी आपकी? जी, तैयारी तो हमें 3-4 दिन से पहले बोला गया था, तो हमारे जो बच्चे वो अभी जो लेटेस्ट जो कैंप आ रहा है रिपब्लिक डे कैंप, उसके लिए बच्चे ड्रिल में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनको आता तो उनसे हम खाली पॉलिश करवाए। 5 दिन हमने बहुत मेहनत की है, तो इसके लिए आज प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होगा, और बस बाकी सब दुआ है। थैंक यू भगवान के लिए। चलो ठीक है, डन।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੈਰ, ਯਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੈਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਐੱਸ ਬਾਵਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਕੋਲਜ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। And it's beautiful to be a part of this moment right now. I think papa ka main message yahi hai ki hamari jo sikh sanstha hai, hamari jo community hai, ye ek jut hoke sab saath mein chale, pyar se chale, aur ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜੈਕਾਰਾ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਹਾਈਟੈਕ ਜਿਮ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਆਪਕੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਸੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਪਾ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਫਿਟਨੈਸ ਮੇਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਪੀਛੇ ਸੁਬਹ ਸੇ ਲਗੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲਗ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਂ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਯਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕੀ ਔਰ ਇਸੀ ਲਈ ਰਿਤਿਕ ਜੀ ਕੋ ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਜੀ ਕੋ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਿਮ ਮੇਂ ਸਾਥ ਦੇ
एंड आई एम श्योर सारे स्टूडेंट्स भी फिट होंगे, क्योंकि फिट हैं तो चुस्त है, चुस्त हैं तो वो तभी पढ़ पाएंगे। Yes, my brother is a marathon runner. He's an Iron Man, and he's a big inspiration for all of us. आप सारे मिलके पालकी का स्वागत करते हैं, जिसकी वजह से हम सब वेट कर रहे हैं. Thank you. मैडम किधर गई? इधर आ जा बीबी. यात्रा कल से कई दिनों से चल रही है, पर कल मुलंड में थी और मुलंड में बड़ी संख्या में पूरे मुंबई के जितने सरदार हैं सब वहाँ आए थे, और आज यहाँ से यात्रा आगे चलेगी. ये गुरु साहब की खड़ाओं में हैं, उनके दर्शन करने के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे हैं. इतने लोग रास्ते पे उतरे हैं खड़ाओं में देखने के लिए, दर्शन करने के लिए. इससे पहले इस मुंबई की सड़कों पे इतने सरदार कभी नज़र नहीं आए थे जितने आज नज़र आते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार लोग धर्म के पक्के हैं, निष्ठावान है, धर्म के ऊपर श्रद्धा रखते हैं. इसलिए जहाँ जहाँ भी गुरु साहब की ये खड़ावें जाएंगी वहाँ वहाँ सरदार जाने वाले हैं. कल मुलंड में आपने देखा नहीं, लगभग 5,000 सरदार लोग तालाब के बाजू में आके खड़े थे. लंगर था, बहुत कुछ था वहाँ के लोगों ने किया था. और आज इधर से ये कड़ा में अलग अलग जगहों पे जाएंगे. मेन मकसद सरदारों का ये है कि कड़ावें के गुरु नानक देव जी की कड़ावें के दर्शन करने के साथ हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ये उनके मन में बैठा है. और ये बात सच्ची है कि जो आदमी गुरु के घर के दर्शन करेगा उसका जीवन सफल होगा. मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आपने इतनी बड़ी संख्या में सरदार पहले नहीं देखे होंगे. जितने सरदारों के मन में जो श्रद्धा है, जो प्यार है गुरु साहब के प्रति, वो आज आपको मुंबई में देखने को मिलता है. मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि सरदारों को लोग बदनाम करते हैं, वो गलत है. सरदार कट्टर धार्मिक है और अपने धर्म के ऊपर श्रद्धा रखते हुए वो इस तरह की सेवा करते हैं. सर, आपकी बात को रखते हुए बोलता हूँ, जैसे पीछे 370 को लेकर काफी मसला हुआ था पाकिस्तान को लेकर, उन्होंने कहा था कि करतारपुर को लेकर सरदारों को भड़काया जाए, सिखों को भड़का, उनकी भावना को भड़काया जाए, तो क्या उनकी बातों में आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है, किसी के भड़काने से बोलने से सरदार कभी भड़कता नहीं है. सरदार जब भड़कता है तो अपने मन की जो इच्छा आती है, मन से जो निकलता है उसके ऊपर भड़कता है. कहीं हमारे साथ अन्याय होता होगा तो वहाँ भड़कता है. ऐसे बोलने से लोग बोलते हैं, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम कट्टर अपने पंजाबी हैं और अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इससे बड़ा कोई बात हो नहीं सकती. करतारपुर साहब क्या है कि पाकिस्तान के हद में है, हद में. और नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी कृपा है कि उन लोगों ने वहाँ पर जाने का रास्ता बनाया, वहाँ जाओ दर्शन करो और वापस आओ, इस तरीके से सिस्टम किया. बड़ी बात है कि हम वहाँ करतारपुर तक जाते हैं, दर्शन करके आते हैं. ये भी हम नरेंद्र मोदी का और भाजपा सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया, बहुत बड़ी बात है. तो सरदा में कोई जैसे पाकिस्तान कुछ अड़चने डालेगा, बोला जाता है कि सिख एक अमेरिका मुद्दा है सिखों को, जैसे मैंने पहले सवाल पूछा, कोई कॉरिडोर में रोक टोक आने वाला नहीं है. पाकिस्तान कोई रोकने वाला नहीं है. पाकिस्तान को भी इतना अक्ल है कि वहाँ अपने धर्म के लिए जाते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं. इसलिए पाकिस्तान को बदनाम करने की जरूरत नहीं है. वो हमारे साथ है, हमारे धर्म की रक्षा करते हैं, हमारे वहाँ गुरुद्वारों को देखते हैं. इसलिए जो आदमी जाएगा दर्शन करके वापस आएगा. वो तो लोगों की आदतें हैं. अभी मैं बाहर से अंदर आया
तो यहाँ भी लोग बोलते होंगे कि देख सरदार को कुर्सी पे बिठा दिया और हम बाजू में खड़े हैं। तो हर एक आदमी का सिस्टम होता है, लोग अपने अपने तरीके से बोलती हैं, मगर अपने को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी है और सेवा के सेवा भावना अपने दिमाग में रखनी, इतना ही काफ़ी है। सर ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये यात्रा तो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, जिस तरीके से वो चली है उस तरीके से जहाँ जहाँ लोग बुलाएंगे वहाँ वहाँ ये दर्शन कराते हुए जाएंगे। सर इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या? दर्शन करने का पहुँचने का, अब पंजाब में जाएंगे ये लोग, पंजाब तक जाएंगे, कई कई स्थानों में जाएंगे, जैसे मुंबई में आए ऐसे अब आगे चलते चलते जाएंगे और पंजाब में जाके ख़त्म करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। Thank you.
रुक जा, चल चल रुक। हेलो भाई, खालसा कॉलेज से निकल गया नगर कीर्तन। वेल हेलो, तलवार हो गए। नहीं नहीं।
इसका ले पीछे हो गया ना।